मैं समझता हूं कि यहां केंद्र सरकार ने कांग्रेस किसानों की आमदनी को दुगुना करने के लिए पिछले पौने पाँच वर्षों में जो प्रयत्न किया है उससे निश्चित रूप से देश के किसान को काफ़ी लाभ हुआ है। और वायदा उन्होंने किया था माफ़ी का, 5 एकड़ से नीचे के किसान का और 18 एकड़ के किसान का कर्जा माफ़ कर रहे हैं जो कांग्रेस का पदाधिकारी है। तो कांग्रेस के पदाधिकारी के बजाय आम किसान का कर्ज माफ़ करें, मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा। हम इस नीति के पक्षधर नहीं हैं कि केंद्र सरकार पूरे देश में किसानों का कर्ज माफ़ करे। हम किसान की कैसे सहायता करके उसकी आमदनी बढ़ा सकते हैं, लागत मूल्य में कितनी कमी की जा सकती है ताकि किसान देश की अर्थव्यवस्था में अपना अच्छा योगदान कर सके, बेहतर योगदान कर सके और स्वयं भी मुझे लगता है कि अपनी चुनौतियों का सामना कर सके, इस नीति पर हम काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने किसानों को बरगला करके वोट लिया। कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने उस समय कहा था कि 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री हटा देंगे। कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में भी खबर आई है और कई चैनलों पर आप सबने देखा है कि किसानों की कर्ज माफी केवल एक धोखा है, छलावा है। किसान कर्नाटक में आत्महत्या कर रहे हैं और वहीं उनके खिलाफ वारंट भी जारी किया जा रहा है। जो कर्जदार नहीं है उनकी सूची प्रकाशित की जा रही है और पूरी ऋण माफी एक मजाक बन गई है। और मुझे लगता है कि अगर लोकसभा के चुनाव न रहते तो शायद सीधे तौर पर कांग्रेस कहती कि हमने कोई घोषणा नहीं की थी माफी की।